नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल यानी डीजियाना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा हमारी इस खास पेशकश डीजियाना विशेष में प्रणाम सहित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई है, लेकिन ये 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष के होते हैं इससे जुड़ी तमाम ऐसी बातें हैं जो जिज्ञासा के रूप में हम सभी के सामने होती है। हम इस खास शो के माध्यम से श्राद्ध पक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री पंडित पवन तिवारी जी, जो कि काटा फोर से हैं, और वर्तमान में श्राद्ध पक्ष में जो सामूहिक तर्पण का सबसे बड़ा आयोजन हंसदास मठ में चल रहा है उसका संचालन कर रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंडित जी। पहला तो एक ये सवाल है कि आखिर पितरों के पूजन के लिए ये 16 दिन क्यों विशेष माने जाते हैं, और उसी के साथ दूसरा सवाल कि आखिर क्यों जो धर्माचारी बताते हैं धार्मिक आधार पर कि पितरों को देवताओं से भी अधिक महत्व दिया गया है। सर्वप्रथम डीजियाना के समस्त दर्शकों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण, और इस दिव्य भाव को डीजियाना ने प्रकट किया कि पितृपक्ष की एक विशेष जानकारी जनता तक पहुंचे, उसके लिए पूरे डीजियाना परिवार को बहुत बहुत शुभाशीष भी पहले प्रदान करूं। पितृपक्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी हमें देना चाहिए, क्योंकि ये पितृ महोत्सव है। इस महोत्सव में हमारे पूर्वज हमसे कुछ प्राप्त करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। हर देवताओं के लिए एक पर्व काल निश्चित किए गए, उनके लिए एक समय विशेष निश्चित किया गया, और उसी समय विशेष में वे आकर के इस संसार के जीवों से अपने भागों को ग्रहण करके उनके संबंधित आशीर्वाद वो हमें प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मंत्रालय में कई प्रकार के मंत्री होते हैं और उनके अलग अलग विभाग होते हैं, इसी तरह हमारे पितरों को भी एक डिपार्टमेंट दिया गया है। हमारे पितर हमें जब आशीर्वाद देते हैं, या यूं कहें कि जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो हमारे कुल और वंश की उन्नति होती है। तो कुल वंश की उन्नति का आशीर्वाद पितरों से प्राप्त होता है, और उसके लिए पितृपक्ष को प्रधानता से लिया गया। भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का यह पितृ पर्व माना गया है, और इस वर्ष 17 दिन का यह पितृ पर्व आया है। 17 दिन तक हम लोग आज से पितरों की सेवा करेंगे, तो हमारे कई प्रकार के जो जीवन के भाव होते हैं, या समृद्धि की चाह होती है, या उन्नति की चाह होती है, या आस्था की भी चाह होती है, तो ये सब देने वाले पितर होते हैं। हमारे मन में श्रद्धा का भाव जगाने वाले भी पितर हैं। यदि आपका मन ईश्वर में लग रहा है, या पितरों के प्रति आपके मन में निष्ठा जागी हुई है, तो ये मान के चलिए कि आपके यहाँ कोई पितर दोष नहीं है, क्योंकि आपके पितर प्रसन्न हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले वे श्रद्धा देते हैं, हमारे अंतःकरण में धार्मिक भावनाएँ जागती है। तो ये पितृ पर्व जो है, इस पितृ पर्व में वे सारे पितर जो इस संसार को छोड़कर चले गए, वो इस जन्म के भी हैं और पूर्व के जन्म के भी हैं, वे सब हमसे अपेक्षाएं करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, और पृथ्वी लोक पर आकर के वे हमसे याचनाएं करते हैं या अपेक्षा करते हैं। याचना न कहते अपेक्षा शब्द ज़्यादा अच्छा है। वे अपेक्षा करते हैं कि मेरी संतति, मेरा वंश मेरे लिए कुछ करें, और इस पक्ष में सर्वाधिक उनको आवश्यकता होती है श्रद्धा से दिए गए पदार्थों की। श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते। जो श्रद्धा से दिया जाता है वही श्राद्ध होता है। श्रद्धा के अभाव में आप लाखों रुपया यदि पितरों के निमित्त खर्च करें और अपना केवल इंप्रेशन जमाना चाहें, तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और श्रद्धा से केवल एक फूल, तुलसी और जलांजलि आप अपने पितरों को अर्पण कर देते हैं, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी, क्या तरीका इसमें पितरों के प्रसन्नता के लिए अपनाया जाता है, विधि क्या होती है, और खास तौर पर हम आपसे वो विधि जानना चाहेंगे जो हर परिवार के बस में हो, जो जिसे सरल विधि के आधार पर हर परिवार में किया जा सके। तो देखिए, सबसे सरल विधि मैं बताना चाहूँगा कि आप कुछ नियम धारण करें, क्योंकि ये पितृ पर्व में पितर हमारे गृहस्थ में वास करते हैं, तो सबसे पहले
हमें ब्रह्मचर्य व्रत का निष्ठा से पालन 16 दिन करना चाहिए, लहसुन और प्याज का त्याग करना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करें और प्रयास करें। यदि आप 16 दिन पितृ पर्व को एक अनुष्ठान के रूप में यदि करना चाहते हैं तो क्षोर कर्म वर्जित है। क्षोर कर्म माने ना तो शेविंग करना है, ना बाल कटाना है, नाखून काटना है। इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृ पक्ष में यदि कोई बाल कटाता है या दाढ़ी कटाता है या नाखून काटता है तो पितरों को वो खाने पड़ते हैं। हमारे पितरों को हमारे शोर कर्म के बाल ग्रहण करने पड़ते हैं क्योंकि वे हमारे घर में वास करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने निषेध किया है कि हमें इन 16 दिनों में बाल भी नहीं कटाना चाहिए। फिर आगे विधि ये बताई गई है, आप ज्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम सूर्योदय के पहले आप पितृ पर्व में जाग जाए, क्योंकि देखिए पितृ जो है वो बुजुर्ग होते हैं, है ना, और बुजुर्ग की आदत जल्दी उठने की है। अब वो तो जल्दी उठ जाते हैं और आप सोए रहते हैं तो वो नाराज होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान तुरंत करें और स्नान के बाद एक लोटा जल, शुद्ध जल आप भर करके अपने मुख्य द्वार पर सिंचन करें। इस भाव से करें कि मेरे पितृ पुनः मेरे इस गृहस्थ में पधारेंगे और साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण भी मेरे गृहस्थ में पधारेंगे। तो सबसे पहली विधि है एक लोटा जल का सिंचन। दूसरी विधि, आप एक गाय का कंडा अपने गैस पर, आजकल गैस है तो उस पर अच्छा पका लें, और गुड़ और घी की धूप, कोई पदार्थ की पितरों को बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, भाव की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति खीर नहीं बना सकता है, है ना, पकौड़े पकवान नहीं बना सकता है, तो गुड़ और घी ये पितरों को सर्वाधिक प्रिय है। आपने गया जी छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है तो भी इस विधि को कर सकते। ये एक सवाल पंडित जी, मेरा समाज में ये सवाल है कि कई लोग जो गया जी में अनुष्ठान कर आते, क्योंकि एक पितरों की आत्मा की शांति के लिए सबसे महातीर्थ माना जाता है गया, क्या जो लोग गया जी होकर आ चुके हैं, अनुष्ठान उनका पूरा विधि विधान से करा चुके हैं, क्या वो श्राद्ध पक्ष में जो विधि विधान के साथ पूजन होता है वो अभी भी जारी रख सकते हैं? हाँ, गया श्राद्ध के विषय में ऐसा कहा गया है भागवत में कि गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। 100 बार भी गया श्राद्ध करें तो ये अनिवार्य नहीं है कि पितृ मुक्त हो जाएंगे। गया श्राद्ध से मुक्ति होगी ये 100% प्रामाणिक नहीं माना गया है, इसका उल्लेख भागवत में आता है। अब वे पितृ छूटे हैं कि नहीं छूटे इस बात की हमको कोई जानकारी नहीं है। तो हमारे यहाँ विधान आता है कि गया श्राद्ध तो करना ही चाहिए, लेकिन गया से आने के बाद में धूप दान और तर्पण आपको जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। धूप दान जो विधि में अभी आपको बता रहा था कि एक कंडे को आप गर्म करें, उसके ऊपर गुड़ डालें, घी डालें, हाथ में जल लें और भावना व्यक्त करें, मेरे ज्ञात अज्ञात समस्त पितृदेव मेरे इस धूप को, इस जल को स्वीकार करें, और सीधे हाथ का अंगुष्ठ है वहां से उस जल को इस तरह से आप छोड़ देवें। इसमें यह होगा कि गया श्राद्ध करने के बाद जो पितृ छूट गए हैं या मुक्त हो गए हैं उनका तो आपसे कोई संबंध रहा नहीं है, लेकिन जो नहीं छूटे हैं वो उस धूप से संतुष्ट होकर के आपको आशीर्वाद दे देंगे। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, गर्मी का समय है, आप संपन्न हैं, आपके पास व्यवस्था है, तो आप घर के बाहर एक पानी का पात्र रख सकते हैं ताकि कोई भी प्यासा पशु आए, या अपने घर के ऊपर जल पात्र या अन्न रख सकते हैं, कोई भी भूखा प्यासा पक्षी आए तो वो जल को आहार को ग्रहण करके संतुष्ट हो जाए। अब आपने जल रख करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है, कोई जल पिए या ना पिए आपको उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन किसी ने संयोग वश उस जल का पान कर लिया है, यदि उस जल का कोई ने पान किया है तो वो पुण्य जरूर देगा। मतलब प्यासा आए तो हमारे द्वार से वो प्यासा ही ना चला जाए, इस भाव से जो पितृ गया से छूट गए हैं उनका संबंध अपनी जगह, लेकिन जो नहीं छूट पाए वे हमसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है कि गया जी गए थे तो काका जी छूट ही गए हैं, हमारे पास प्रमाण है नहीं, इसलिए हमको वो धूप दान करके उन पितरों को संतुष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। बस एक अंडे को गर्म करके गुड़ घी की धूप से पितर संतुष्ट हो जाते हैं और आपकी समृद्धि है। तो जिस दिन आपके पूर्वजों ने इस संसार को छोड़ा, जिसे हम पुण्यतिथि कहते हैं, दाग तिथि कहते हैं, श्राद्ध तिथि कहते हैं, उस दिन खीर का भोग पितरों को सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन वह खीर गाय के दूध से निर्मित हो तो भैंस के दूध से बनाई गई खीर का प्रसाद पितृ कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध है तो बनाएं, कम से कम प्रसाद जितना पितरों को भोग लग रहा है उतना तो गाय के दूध के ही
प्रयोग से हमें खीर का निर्माण करना चाहिए। बाकी जैसी व्यवस्था आपकी चल रही है वो, और एक विशेष चीज मैं आपको बता दूं कि पितरों की पूजा में कभी भी केले का फल नहीं चढ़ाना चाहिए। केले के फल को देख करके पितर भाग जाते हैं पंडित जी इसकी, और इसके कुछ शास्त्रीय बहुत सारे कारण हैं। तो ये कई बार वृक्षों को भी श्राप लगा है, फलों को भी श्राप लगा है, जैसे तुलसी जी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ेगी, है ना, ठाकुर जी को बिलपत्र नहीं चढ़ेंगे, गणेश को तुलसी नहीं चढ़ेगी, माता जी को तुलसी नहीं दुर्वा नहीं चढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे श्राप हैं जिनकी बड़ी बड़ी कथाएं शास्त्रों में हैं। तो ये प्रामाणिक चीज है। तो केले का फल देख करके वो प्रसन्न नहीं होते, रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए भूलकर भी आप पितृ पूजा यदि केवल कर रहे हैं तो उसमें केले का प्रसाद ना चढ़ाएं। और एक भूरा कोला जो नवरात्रि के समय में बलिदान के प्रयोग में आता है, पेठा जिसे कहते हैं, तो उससे निर्मित ना तो साग यानी सब्जी और ना ही उससे निर्मित मिष्ठान जिसे अपन पेठा कहते हैं, आगरे का पेठा, तो वो भी पितरों को पसंद नहीं है। दो फलों का त्याज्य हमारे यहाँ पितृ पूजन में बताया गया है, पर इसकी बड़ी लंबी चर्चा है और समय हमारे पास सीमित है, तो हम फिर आगे कहीं उसको जरूर आप तक पहुँचाएंगे। और एक विशेष चीज मैं फिर बताऊं, ये धूप दान की क्रिया आपने की तो उसके बाद आप पितरों के नाम का एक दीपक घर में 16 दिन जरूर जलाएं। वह मिट्टी का दिया होना चाहिए। पितरों को या तो मिट्टी का दिया पसंद है या फिर पीतल या ताम्र पात्र का, है ना, आजकल घरों में स्टील के दिए आ गए, लोहे के। ये दिए कभी पितरों को नहीं लगाना चाहिए, देवताओं को भी नहीं लगाना चाहिए। चांदी का दीपक लगाया जा सकता है, मिट्टी का लगाया जा सकता है, पीतल और तांबे का भी दीप का प्रयोग किया जा सकता है, पर स्टील का, ये जो आजकल फैशन चल रही है बाजारों में, ये नहीं करना चाहिए। या तेल का रहे पंडित जी? पितरों का जो दिया लगेगा वह तिल्ली के तेल का लगेगा। सामान्यतया घरों में लोग घी का दिया भी पितरों को लगाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कुछ ज़्यादा परेशानी है, जैसे बच्चे बीमार ज़्यादा रहते हैं, कई लोगों की हमसे ये अपेक्षाएं या भाव होते हैं गुरुजी घर में बरकत नहीं रहती है, समृद्धि नहीं रहती है, परेशानियां रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण पितर होते हैं, वे हमसे रुष्ट होते हैं, तो परेशानियां बढ़ती है। देवता कभी हमसे रुष्ट नहीं होते हैं, केवल हमारे पितरों को हमें मनाना है। माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो देवता तो देने वाले हैं, इसलिए नाम ही देवता है, जो देता है उसका नाम देवता है। तो आप मिट्टी के दिए का प्रयोग करें, तिल्ली का तेल, और पितृ पूजन या पितरों को निमित्त जो दिया लगाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा घी और तेल दियों में भरकर नहीं रखा जाता, केवल रुई में, रुई की बत्ती का प्रयोग किया जाता है, और लंबी बत्ती का। पितरों के लिए जो बत्ती लगाई जाएगी वो रुई की बत्ती होगी, लंबी बत्ती होगी, उस बाती में जितना तेल आएगा तिल्ली का उतना ही तेल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब तक वह दिया जलता है तब तक पितर खड़े होकर के उस प्रकाश को अपने शरीर में धारण करते हैं, तो बहुत देर तक उनको श्रम ना हो, इसलिए कम तेल के प्रयोग का विधान है। और जो दिया लगाया जाए उसका जो मुख है वो हमारे पानी के पात्र की ओर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम अपोजिट साइड दिया लगा देते हैं। दिया लगाने का जो स्थान है वो परेंडा माना गया है। परेंडा माने जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, जहाँ भी, वैसे दक्षिण में रखना चाहिए। और जब हम दीपक लगाएं तो दीपक की जो ज्योत है वो दक्षिण की ओर होनी चाहिए, ताकि पितर उसके प्रकाश को ग्रहण कर सके। और जब हम पितरों के सामने प्रकाश करेंगे तो वो हमारे जीवन में सुख का प्रकाश करेंगे। पंडित जी, एक सबसे बड़ी जिज्ञासा ये थी कि हमने कोरोना का फर्स्ट फेज देखा, उसके बाद सेकेंड फेज देखा, और कई ऐसे लोग थे जो कोरोना संक्रमण के चलते दिवंगत हुए, उनके परिजन वायरस के चलते, तमाम जो परेशानियां थी उसके चलते अंतिम संस्कार उस विधि विधान के साथ, विधि रिवाज के साथ नहीं कर पाए जो कि सनातन धर्म में मान्यता प्राप्त है। ऐसे परिवारों के लिए ये श्राद्ध पक्ष कितना महत्वपूर्ण है, और आखिर वो क्या ऐसी विधियां अपनाएं जिसके आधार पर उन दिवंगत आत्माओं की शांति को लेकर महत्वपूर्ण कुछ हो सके? देखिए, सबसे सरल और महत्वपूर्ण चीज है तर्पण। तर्पण करने मात्र से समस्त पितृ तृप्त हो जाते हैं। उत्तर कर्म की जो क्रियाएं हैं वो उसी समय होती है जब शरीर संसार में होता है। शरीर के चले जाने के बाद में सर्वपितृ अमावस्या सर्वमान्य है। आप सर्वपितृ अमावस्या पे अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण जरूर कराएं, और प्रयास करें कि आप 16 दिन तक तर्पण करें। जैसे हंसदास मठ बड़ा गणपति के पास हम प्रतिदिन सुबह 7:30 से 9:30 निःशुल्क तर्पण करा रहे हैं, और ये कार्य करते करते हमारी संस्था को 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं।
वहाँ आप पधार सकते हैं, वहाँ वैदिक विधि से हम तर्पण कराते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे, समय का अभाव है और कोरोना ने सबकी कमरें तोड़ दी है, तो बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने मार्ग निकाला निःशुल्क तर्पण। वहाँ जब आप आएंगे तो वहाँ हम सारी विधि जिसमें तर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको विधि विधान से संपादित कराते थे हैं। और यदि कोई इस पितृ पक्ष में 16 दिन तर्पण श्रद्धा से कर लेता है तो मुझे ये भरोसा है कि उसके समस्त पितृ जो भी कोरोना महामारी के कारण इस संसार को छोड़कर चले गए वे जरूर संतुष्ट हो जाएंगे और उनकी आत्माएं भगवत धाम को जरूर प्राप्त करेगी। और अपने पितरों के निमित्त इस पक्ष में गो सेवा का सबसे ज्यादा महत्व है, एक काग बलि का बहुत महत्व है, कौए को हम वो प्रसाद देते हैं क्योंकि कौए की पीठ पर बैठ करी उनके देवता अर्जमा हमारे पितरों को इस संसार में लाते हैं, इसलिए कहीं आपको कौवा दिखे तो आप अपने पितरों के निमित्त कौओं को कुछ भी प्रसाद दे सकते हैं, उसमें जैसी आपकी श्रद्धा हो ना कुछ, तो इंदौर तो पोहे के मामले में फेमस है, आप वो पोहे को भी प्रसाद रूप में अर्पण कर सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं, खीर का, पूड़ी का, जो भी आप मिष्ठान आदि भोग लगा सकें वे आप पितरों के निमित्त इन 16 दिनों में जरूर करने का प्रयास करें। पंडित जी, एक सवाल ये होता है कि जो 16 दिन होते हैं इसमें एक मान्यता ये है कि कुछ खरीदारी नहीं की जाती है, शुभ कर्म वर्जित रहते हैं, ये इसके पीछे की एक क्या लॉजिक है इसके पीछे, या फिर ये माना जाए कि अगर आपके पितर संतुष्ट हैं तो कई एक विचारधारा आजकल हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि ये भी है कि ये तो एक शुभ समय माना जाता है, इसमें खरीदारी या शुभ कर्म क्यों ना किए जाए, तो आखिर वास्तव में मान्यता क्या है? देखिए, ये सूतक काल माना गया है क्योंकि हमारे वे दिवंगत जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, जब हमारे यहाँ कोई जीवात्मा मृत हो जाती है तो हम 12 दिन 10 दिन अपनी अपनी मान्यता के अनुसार देव पूजन से दूर रह करके सूतक को पालते हैं, क्योंकि वे देह का परित्याग करके चले गए हैं, तो वो सूतक हमारे यहाँ एक मान्यता है जिसे मरण सूतक कहा गया है। दो तरह के सूतक होते हैं, एक जन्म का होता है और एक मरण का होता है। तो ये जो काल है वह पितृ काल माना गया है, तो इसको हम यूं भी कहें कि सूतक काल है, मतलब जनता को कैसे समझ में आए इसलिए इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि सूतक काल है, क्योंकि हमारे पितृ न जाने किस नरक से निकल के आए हैं, भाई कर्म के अनुसार सब जगह जाना पड़ता है लेकिन इन 16 दिनों में उन्हें छूट मिलती है, वो अगर नरक में भी कष्ट भोगते हैं तो हमारे पितरों के जो देवता अर्यमा माने गए हैं और एक हैं सत्य और वसु जिन्हें विश्व देवा कहा जाता है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जब भी हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो वे अपने हमारे पितरों को वहाँ जहाँ भी वे हैं, जिस योनि में भी हैं या नारकी कष्ट भोग रहे हैं, वहाँ से उनकी आभा को, ऊर्जा को वे निकाल के लाते हैं और हम तक पहुँचाते हैं, और हमारे द्वारा जो भी सामग्री दी जाती है उसे वे ग्रहण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करके पुनः अपने स्थान पर जा करके और हमारे द्वारा गए पुण्य के प्रभाव से वे वहां शांति को प्राप्त करते हैं या उन्हें जो कष्ट हो रहा है उससे मुक्ति मिल जाती है हमारे किए गए दान से। तो चूंकि वे उस योनि से निकल के आते हैं या नरक से निकल के आते हैं या उनके आने से एक सूतक काल पृथ्वी पर व्याप्त हो जाता है, इसलिए इन 16 दिनों में मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि यह सूतक काल है पितरों के आगमन के कारण, और पितृ महोत्सव भी है क्योंकि वे पूर्वज जिनकी जीते जी हम सेवा नहीं कर पाए तो ईश्वर ने हमको एक दूसरा मौका दिया है कि हम जो पहले नहीं कर पाए वो अब कर लें, क्योंकि पितर बड़े भावुक और श्रद्धालु होते हैं, केवल हम गदगद हृदय से उनको हाथ जोड़ करके अपने किए गए किसी भी कर्म के लिए यदि क्षमा याचना करेंगे तो वे तुरंत क्षमा दे करके हमको आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। जाने अनजाने में जीवन में कई प्रकार की गलतियां हो जाती है, ना चाहते हुए भी कई बार हम अपने माता पिता का या पूर्वजों का अपमान कर देते हैं, और इस कोरोना महामारी में ऐसी कई घटनाएँ हुई कि अचानक वे परिजन हमें छोड़ के चले गए तो मन में बहुत सारी टीस युवाओं के रह गई कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये नहीं कर पाया। तो ये समय जो है ये समय हमें ईश्वर प्रदान करता है कि भाई जो तुम उनके जीते जी नहीं कर पाए अब फिर तुमको मैं 16 दिन का अवसर देता हूँ, अपने पितरों के प्रति अपने श्रद्धा भाव समर्पित करो तो तुम्हारे अंतःकरण में भी शांति होगी और तुम्हारी उन्नति भी होगी। यानी माना जाए कि नवीन आभूषण वस्त्र वगैरह हाँ, खरीदना बचना चाहिए। या देखिए, हम यदि सभी चीजों को ये मान लेंगे कि आजकल सब चलता है तो ये हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। हम जिस देश में रहते हैं, जिस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, उसके जो रूल्स एंड
कंडीशंस हैं उसके अनुसार ही हमको अपना जीवन जीना पड़ता है। फॉरेन में क्या होता है, अन्य समाज के लोग क्या करते हैं, अन्य संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग क्या करते हैं, ये तर्क हमें नहीं लगाना चाहिए। हम जिस जाति धर्म वर्ण में पैदा हुए हैं उसके अनुसार ही हमें अपने कर्म करना चाहिए। पंडित जी, जैसे कोरोना के दौरान जो दिवंगत हुए, आपने उनके लिए बताया कि सामूहिक तर्पण में 16 दिन आकर वो कहीं ना कहीं जो त्रुटियां रह गई हैं उनको दूर कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते हैं वो किस सरल विधि से अपने घर में या अपने आसपास मंदिर में अपने उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सरल विधि के साथ अनुष्ठान कर सकते हैं? भाई सरल विधि, सबसे सरल एक और विधि आपको बता दें कि आप ज्यादा न कर सकें तो थोड़ा सा दूध, गाय का दूध, बस ये जो भी सामग्री है, चाहे घी है चाहे दूध है, सब गाय का ही उपयोगी है। भैंस का देव कार्य में ना तो घी उपयोग किया जाता है और ना ही दूध उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि यह भी बताया गया कि बाजार का मिष्ठान भी जो है वो पितरों की पूजन में स्वीकार नहीं किया गया। खीर बनती है? हाँ, इसलिए घर में खीर बनाई जाती है। तो बाहर का अगर आप मेवा मिष्ठान ला करके और पितरों को भोग लगाएंगे तो वो बाहर का ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने घर में अपनी श्रद्धा से जो आपके पास उपस्थित हो वह उपलब्ध करा करके और पवित्रता से अपने पितरों को वो भोग लगाना चाहिए। और जो प्रश्न आपने किया था तो मैं कहता हूँ कि एक पात्र में आप स्नान के बाद जल भरें और वो पात्र अपने पीने के पानी की जगह पर रखें, तांबे का लोटा हो, और थोड़ा सा कच्चा दूध पितरों वाले स्थान पर रख दें। फिर वहाँ से उस दूध को और उस जल को लेकर के आप भगवान शिव के मंदिर जाएं और भगवान शिव पे पहले अपने लोटे का आधा जल चढ़ा दें, फिर बचा हुआ दूध चढ़ा दें और फिर बचा हुआ जल चढ़ा दें। जैसे हम स्नान करते हैं तो पहले जल, फिर साबुन, फिर जल, इसी तरह पहले जल, फिर दूध, फिर जल। कितनी देर रखना है उसे? ये 5 मिनट अपने पितरों के स्थान पे, 5 मिनट, 2 मिनट, या केवल रख करके उठा भी लें लेकिन पितृ स्थान पे आप रखें। और वहां जब आप रखेंगे तो आपके सारे पितर उसे स्पर्श कर लेंगे, मानो उनका हाथ लग जाएगा। फिर उस जल को लेकर के जब आप शिवालय आएंगे तो भगवान शिव जो है उनकी अर्धांगिनी पार्वती है, और पार्वती जो है वो पितरों की नातिन है, मतलब पार्वती नातिन है। ओके, मतलब पार्वती की जो माँ है वो पितरों की कन्या है, पार्वती की जो माँ है वो पितरों की कन्या है। और जब हम वह पितरों का जल भगवान शिव के पिंड पे चढ़ाएंगे तो जो जहाँ पिंड स्थापित होता है, जिसे आधारशिला कहते हैं, जलाधारी, वो पार्वती का हस्त कमल है। मानो अपने हस्त कमल में भगवान शिव के उस विग्रह को देवी ने धारण कर रखा है, और वह दूध और जल जब भोलेनाथ पर से होके पार्वती को स्पर्श होता है तो उससे सारे पितर तृप्त भी होते हैं और संतुष्ट भी होते हैं, क्योंकि वे उनकी नातिन हैं। जब हम किसी की नातिन को उपहार में कुछ विशेष चीज प्रदान करें तो नाना तो अपने आप प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो इस तरह से एक ये विधि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अपना सकते हैं। सरल विधि एक दूध लेकर से और जल लेकर के, लेकिन जल घर का होना चाहिए। आजकल एक परंपरा गई कि मंदिर में जल की व्यवस्था है, लोटा भी मंदिर में है, भोलेनाथ तो मंदिर के हैं ही, तो जल भी मंदिर का, भोलेनाथ भी मंदिर के, लोटा भी मंदिर का, तो वो प्रयोग जो है काम नहीं करता। इसलिए हमेशा भगवान शिव को जो जल चढ़ाएं वो अपने घर से लाना चाहिए। और नित्य यदि कोई गृहस्थ अपने घर का जल शिवजी पर चढ़ाता है तो उसके पितृका में चाहे कालसर्प दोष हो चाहे पितृ दोष हो, उन दोषों के कारण उसको कभी कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। पंडित जी, अब 16 श्राद्ध के जो दिन होते हैं, श्राद्ध पक्ष के, हम इसमें देखते हैं कि विशेष पितरों के अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे कौन से सरल विधियां हैं कि वर्ष भर यदि बड़े साधारण तरीके से लोग अपने घरों में उन विधियों का पालन करें तो वो एक बड़ा ही परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? देखिए, पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या की जा सकती है? साल भर पूजन? हाँ, साल भर की जा सकती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ दीपक वाला प्रयोग, जो मिट्टी का दिया और तिल्ली के तेल का प्रयोग, ये वर्ष पर्यंत आप करें तो आपके घर में एक अलौकिक परिवर्तन होगा, जिससे आपके घर में एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा, नेगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी और पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। और देवता और पितर हमें यही देते हैं। हमारी ये भ्रांति ना रहे कि हम पूजा करेंगे तो बहुत लाखों करोड़ों रुपया हमारे जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएगा। देवता और पितर हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा से जब हम संसार में कार्य करते हैं तो हमें उन्नति मिलती और सफलता मिलती है। तो देवताओं का और पितरों का काम है हमारे अंतःकरण में आत्मबल, आत्मविश्वास को जगाना, कि समस्या कितनी भी जटिल हो हम मजबूती से मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार हैं, लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
और एक विशेष विधि मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई, ये काल सर्प दोष पितृ दोष के लिए आजकल बहुत लोग परेशान हैं। 90% जातकों की पत्रिका में हमने देखा काल सर्प दोष आ रहा है, तो उसका सबसे सरल उपाय जो मैंने ढूंढा है वो है गरुड़ घंटे का नाद, क्योंकि गरुड़ जी जहाँ होते हैं वहाँ सर्प ठहरता नहीं है, क्योंकि सर्प गरुड़ से डरते हैं और हमारी प्राचीन परंपरा से अपने घरों में घंटी, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है, तो चार जगह घंटी का नाद करना चाहिए। एक तो भगवान के सामने अच्छी जोर से घंटी बजाना चाहिए, जब भगवान के पास घंटी हम जोर से बजाते हैं तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा, हमारे द्वार पर जहाँ एंट्री गेट है, मुख्य द्वार, वहाँ पे भी हमें घंटा नाद करना चाहिए, उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। तीसरा, जहाँ भोजन बनता है वहाँ घंटी बजाना चाहिए ताकि वह अन्न हमें आरोग्यता प्रदान करे। और चौथा, जहाँ हम पैसा रखते हैं, जिसे लाकर या कोष कहा जाता है, वहाँ घंटी बजाना चाहिए, तो हमारे घर में बरकत बनी रहती है। क्योंकि काल सर्प दोष का इफेक्ट इन चार जगह ही पर होता है, एक तो ईश्वर में मन नहीं लगेगा, दूसरा घर में नेगेटिविटी रहेगी, तीसरा हम अन्न खाएंगे बीमार हो जाएंगे, चौथा बरकत नहीं है। तो चार जगह जब गरुड़ जी जाकर के नाद करेंगे तो सर्प अपने आप भाग जाएगा, तो फिर आपको ना तो इधर भागना है ना उधर भागना है, गरुड़ भगवान ही आपके सारे दोष भगा देंगे, फिर ना त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा ना अन्य कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मान्यताओं के अनुसार मन की संतुष्टि के लिए आप तीर्थ जरूर जाएं, खूब भगवान की आराधना करें, लेकिन जो छोटे प्रयोग हैं जो कम खर्च में किए जा सकते हैं उनको भी जीवन में धारण करें। एक और विधि है हमारे यहाँ जो शंखनाद विधि है, शंखनाद भी मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन चारों दिशाओं में शंखनाद कीजिए, पहले पूर्व में बजाइए, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, ये क्लॉकवाइज घूमते हुए। तो शंखनाद करने से हमारे जीवन के अवरोध खत्म होते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और आपको आगे जाना है, तो जब तक आप हार्न नहीं बजाओगे तब तक आगे वाले को समझ में नहीं आएगा और वो आपको साइड नहीं देगा। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे जीवन में उन्नतियां नहीं मिल पा रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भगवान नारायण का स्मरण करके शंखनाद कीजिए, आपको साइड मिल जाएगी और आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। पंडित जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल है, चाहूंगा संक्षिप्त में आप उसका जवाब दें, क्योंकि प्रकृति का बड़ा महत्व माना गया है किसी भी पूजन में। इन 16 दिनों में कौन से वृक्ष पर जल चढ़ाने का महत्व है, और दूसरा कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, कृपया संक्षिप्त में। सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, मेरे मस्तिष्क में बात थी, पीपल का वृक्ष। तीन वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है और बिल्व पत्र भी। इन तीनों वृक्षों के नीचे, इनके ही पत्तों पर, पीपल के नीचे अगर आप कर रहे हैं तो गुड़ और घी जो मैंने बताया, या तो वो आप पीपल के पत्ते पर रख करके वहां रख दें, उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर आपके घर में कोई मिष्ठान्न बना है, जैसे खीर बनी है, पूड़ी बनी है, तो पीपल के पत्ते पर ही आप उस खीर को और पूड़ी को रख करके वहां जल अर्पण कर दीजिए, आपके समस्त पितर तृप्त हो जाएंगे। वट वृक्ष के नीचे भी उसी के पत्ते पर इसी तरह से आप की कीजिए, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह बिल्व पत्र के नीचे भी आप बिल्व पत्र के वृक्ष के पत्ते के ऊपर, बिल्व वृक्ष के नीचे उसी के पत्ते पर मिष्ठान्न रखिए, या फिर पूड़ी खीर जो भी आपके घर में प्रसाद है, और उसका भोग लगा दीजिए। ये तीन वृक्षों के नीचे यदि आप भोग लगाते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पितर उस आहार को, उस नैवेद्य को ग्रहण करके तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और दान, पंडित जी संक्षिप्त दान, दान के लिए सबसे वस्तुओं में सफेद वस्तुओं का दान, सफेद चीजें जितनी भी पितरों को सफेद वस्तु, सफेद वस्त्र ये बहुत प्रिय है, इसमें आप शकर का, चावल का, गोदुग्ध का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए। और सफेद पुष्प पितरों की पूजन में, और तुलसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप जो भी करें उसमें तुलसी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि तुलसी के स्पर्श मात्र से वह पुण्य कई गुना हो जाता है। पंडित जी, इस खास शो में और इतनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पहले तो हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं। तो ये श्राद्ध पक्ष से जुड़ा हमारा ये खास शो था, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है, पंडित पवन तिवारी जी के माध्यम से, कि आखिर कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जिसके आधार पर श्राद्ध पक्ष में पितरों की, और खासतौर पर कोरोना संक्रमण के चलते जो दिवंगत आत्मा है उनकी शांति के लिए हम उपाय कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये शो आपको पसंद आया होगा, और कई जो श्राद्ध पक्ष से जुड़ी आपकी जिज्ञासाएं हैं वो पंडित जी के माध्यम से हम शांत करने में सफल हो पाए होंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप डीजीएनआर न्यूज पर बने रहिए, क्योंकि इसके ठीक बाद
इंडियन क्रिकेट से जुड़ा यानी आईपीएल से जुड़ा खास शो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्रेजी क्रिकेट। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस खास शो के माध्यम से हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।